और दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय सबसे ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रही है आखिरकार लक्ष्मी, क्योंकि ऋषि को बुरी तरीका से मार रहे हैं कुछ लोग। और कुछ लोग इसलिए ही मार रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी को, ताकि दुख दे सके, क्योंकि अगर ऋषि पिटेगा तो लक्ष्मी को दुख अपने आप ही होगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय मलिष्का तो खुश नज़र आ रही है कि चलो लक्ष्मी को इसी बहाने से ही लेकिन दुखों का सामना करना पड़ रहा है। अब लक्ष्मी की जान भी खतरे में है क्योंकि जब तक लक्ष्मी नहीं आएगी तब तक ऋषि को वो लोग पीटते ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला है उन लोगों ने कि लक्ष्मी को बाहर आना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें ऋषि के ऊपर कुछ भी हमें टॉर्चर क्यों ना करना पड़े। दोस्तों सच्चाई है और सच्चाई झुक नहीं सकती किसी के झुकाने से, क्योंकि अभी तो आप लोगों के बीच में कहानी का एक और भी सबसे बड़ा ट्विस्ट आता हुआ नज़र आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो कहानी का जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वो यही है कि इस समय साफ साफ मानना यह है लक्ष्मी का कि जो होता है अच्छे के लिए होता है कम से कम। अब मलिष्का की घिनौनी हरकत भी देखने को मिली है कि उसने किस तरीका से किन लोगों का साथ दिया है, उन लोगों का कि जो मुख्यमंत्री को मारना चाहते थे उन लोगों का मलिष्का ने साथ दिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री को मारने के लिए उन लोगों ने बेहद बड़ा षड्यंत्र रचाता और उस षड्यंत्र में पूरी भूमिका निभाई थी मलिष्का ने। अब मलिष्का की जो हरकतें हैं वो लगातार संधि के घेरे में ही आती हुई नज़र आने वाली हैं। बात की जाए कहानी की तो कहानी के अंदर थोड़ा नहीं बल्कि समय एक और भी नया ट्विस्ट आप लोगों के बीच में दस्तक देता हुआ नज़र आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोलता हुआ नज़र आएगा आप लोगों के बीच में कहानी सबसे बड़ी एक ट्विस्ट वाली बन चुकी है। दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए, धन्यवाद।